नाजरीन ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत 3 की कहानी रोमांस और जज्बात से भरी हुई है। फिरोज खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन समय तमाम अदाकारों ने ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन 3 में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पेश की है। वो सन्ना जावेद के साथ ड्रामा खानी में जज्बाती अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। वर्सटाइल अदाकारा इकरा अजीज के साथ इसके स्क्रीन जोड़े को देखने के लिए नाजरीन बहुत पुरजोश हैं। जुनैद खान अदाकारा तूबा सिद्दीकी के साथ नजर आएंगे। खुदा और मोहब्बत सीजन 3 की बासलायत कास्ट इस सीरियल को मजीद दिलचस्प बनाएगी। मुसन्निफ के मुताबिक सीरियल पहले 2 सीजन से मुख्तलिफ होगा और पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री को एक बेहतरीन ड्रामा पेश करेगा। नाजरीन आगे चल के हम आपको बताएंगे कि इस ड्रामे की पहली एपिसोड कब रिलीज होगी और कौन कौन इसमें शामिल है और इस नए सीजन खुदा और मोहब्बत 3 की मुकम्मल कहानी क्या है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल ट्विट मैक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसामीन अब्दुल्ला किडवानी और असद कुरैशी के 7th स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले खुदा और मोहब्बत सीजन 3 बनाया गया है। नए साल का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत जल्द पाकिस्तान के सबसे मशहूर तफरीही चैनल जियो टीवी पर शुरू किया जाएगा। सुपर हिट सीजन के तीसरे सीजन में सीनियर और नौजवान फनकारों का खूबसूरत इम्तराज इस कदर खूबसूरत अंदाज में तश्कील दिया गया है कि मोहब्बत और प्यार की अबदी कहानी के हर मंजर में हकीकत के रंग झलकेंगे। इस बार फिरोज खान हाशिम नदीम के आलमी शोहरत याफ्ता नावल खुदा और मोहब्बत पर मबनी ड्रामा सीरियल में मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ बासलायत अदाकारा इकरा अजीज हैं, जो अदाकारी के मैदान में पहले ही अपनी शनाख्त बना चुकी हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस बार पाकिस्तानी लीजेंड अदाकार जावेद शेख भी मरकजी कास्ट में शामिल हैं। ये दिनों फनकार अपने अपने शोबों में मुनफरिद किरदार के हामिल हैं। नाजरीन सुपरहिट सीरियल खुदा और मोहब्बत के सीजन 3 में तूबा सिद्दीकी, रुबीना अशरफ, आसिमा अब्बास, समी पाशा, वसीम अब्बास, सुनीता मार्शल, सुहेल समीर, जुनेद खान, मिर्जा जैन बेग और सीनियर आर्टिस्ट उस्मान पीरजादा भी शामिल हैं। परफॉर्मेंस एक बार फिर इस ड्रामे को सबके लिए यादगार बना देगी, जो कि नवीद नौशाद की तश्कील और कमर नौशाद की शायरी और खूबसूरत आवाज से आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी गुलकार राहत फतेह अली खान ने इस ड्रामे के मरकजी गानों में अपनी आवाज का जादू जगा दिया है, ताकि हर कोई इसका दीवाना हो जाए। सीरियल का गाना भी इस कदर पुरजोश है कि देखने वाले इस कहानी को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब हैं। याद रहे कि जियो टीवी के ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत को पहली बार सन 2011 में नशर किया गया था और इसकी कहानी और किरदार अभी भी लोगों के जहनों में अभी भी जिंदा हैं। इस सीरियल की मकबूलियत को देखते हुए ड्रामे का दूसरा सीजन 2017 में रिलीज हुआ, जिसने कामयाबी और मकबूलियत का नया रिकॉर्ड कायम किया। तो नाजरीन, अब ड्रामे का तीसरा सीजन पेश किया जा रहा है, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है। सैयद वजाहत हुसैन की हिदायतकारी में चलाए गए मनाजिर हकीकत के रंगों की अकासी करते हैं। मोहब्बत, मौशरती मामलात, संजीदगी, सस्पेंस और हकीकत से भरी हुई खुदा और मोहब्बत के सीजन 3 की दिलचस्प कहानी अब एक नए अंदाज में छलकने के लिए तैयार है। नाजरीन, अब बात करेंगे इसके पहले एपिसोड की। तो इसका पहला एपिसोड सुनने में आ रहा है कि इस महीने के आखिर या फरवरी के पहले हफ्ते को इसकी पहली किस्त जारी कर दी जाएगी, जो कि इस ड्रामे के इंतजार करने वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। नाजरीन, आपके इस सस्पेंस भरे ड्रामे के हवाले से क्या ख्यालात हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल ट्विट मैक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे।